जिला मंडी के सदर क्षेत्र से चुने गए जनप्रतिनिधियों के साथ विभागीय अधिकारियों की समन्वय बैठक की अध्यक्षता बहुउद्देशीय परियोजना ऊर्जा एवं गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री अनिल शर्मा की अध्यक्षता में उपायुक्त कार्यालय सभागार में आयोजित की गई, जिसमें सदर विधानसभा क्षेत्र से संबंधित जिला परिषद पंचायत समिति सदस्य तथा ग्राम पंचायतों के प्रधान उप प्रधान और विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित हुए। बैठक को संबोधित करते हुए अनिल शर्मा ने कहा कि सरकारी विभागों का चुने हुए जन प्रतिनिधियों के साथ सीधा संवाद स्थापित करने तथा ग्रामीण स्तर पर हो रहे विकास कार्यों की जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रथम बार इस तरह की बैठक का आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में विकास में जन सहयोग को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान कर रही है और जनमंच जैसे आयोजनों के माध्यम से घर द्वार पर जन समस्याओं का निराकरण विभिन्न सेवाएं भी प्रदान करवाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि सदर क्षेत्र के जन प्रतिनिधियों को पूरा मान सम्मान दिया जा रहा है और उनका प्रयास है कि विकास कार्यों में सभी का सहयोग लेकर इसे एक आदर्श विधानसभा क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाए। बैठक में लोक निर्माण विभाग, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग, वन विद्युत स्वास्थ्य जैसे जनता से सीधे जुड़े विभागों से संबंधित विभिन्न मसलों पर सार्थक चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के कुशल नेतृत्व में पूरे प्रदेश सहित मंडी जिला व सदर क्षेत्र का तीव्र विकास सुनिश्चित हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में प्रथम बार सौर ऊर्जा के माध्यम से गांवों में स्ट्रीट लाइटें इत्यादि स्थापित करने के लिए पंचायतों को नोडल एजेंसी बनाया जा रहा है। प्रदेश सरकार ने सौर ऊर्जा नीतियों में बदलाव किया है और अब घरों की छत पर 5 किलोवाट तक लोड के लिए कितनी भी क्षमता का रूफटॉप सोलर पैनल लगाने पर 80% अनुदान प्रदान किया जा रहा है। इससे पैदा होने वाली बिजली घर के मालिक को निशुल्क उपलब्ध होगी और उत्पादित अतिरिक्त बिजली विद्युत बोर्ड संबंधित व्यक्ति से नियमांक द्वारा निर्धारित दरों पर खरीदेगा। उन्होंने पंचायत प्रधानों से आह्वान किया है कि वे हिम ऊर्जा के माध्यम से संचालित इस योजना के बारे में लोगों को जागरूक करें और इसका भरपूर लाभ उठाएं। उन्होंने कहा कि सदर क्षेत्र में पेयजल योजनाओं के लिए करोड़ों रुपए की परियोजनाएं स्वीकृत की जा रही हैं। अनिल शर्मा ने कहा कि सदर क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण व रिक्त पदों को भरने के लिए विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने खंड विकास अधिकारी से आग्रह किया है कि पंचायत स्तर पर विभिन्न विभागों से समन्वय स्थापित करने तथा जन प्रतिनिधियों की समस्याओं के निराकरण के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप भी तैयार करें। उन्होंने सभी विभागीय अधिकारियों से भी आग्रह किया है कि वे इस बैठक में पंचायत प्रधानों व अन्य जन प्रतिनिधियों की ओर से रखे गए सुझावों का पूरा ब्यौरा इन पर दी गई कार्यवाही सहित प्रस्तुत करें। उन्होंने आश्वस्त किया है कि इस तरह की बैठकें नियमित तौर पर 4 माह में एक बार आयोजित की जाएंगी। पंचायती राज विभाग तथा शहरी निकायों से संबंधित बैठकें भी शीघ्र ही आयोजित की जाएंगी। बैठक में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर जीवा अनंत चौहान, लोक निर्माण विभाग के अधिशांशी अभियंता प्रदीप ठाकुर, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग से अरुण शर्मा, विद्युत विभाग से मनोज पुरी, वन मंडला अधिकारी कश्यप, खंड विकास अधिकारी शेफाली शर्मा सहित विभिन्न विभागों के उच्च अधिकारी उपस्थित रहे। आज पंचायत प्रधान, उप प्रधान, बीडीसी मेंबर, जिला परिषद मेंबर, सभी इलेक्टेड मेंबर जो हमारे सभी विधानसभा से संबंधित हैं, उनको आज पहली बार मैंने राजनीति के अंदर, ऐसे तो मैं करता था मीटिंग, परंतु एक पहली बार मैंने कोशिश की है कि चुने हुए प्रतिनिधियों के सीधे संवाद जो है विभाग के माध्यम से करवाए जाए और विभाग जो मुझे सूचना देते हैं उन सूचनाओं के ऊपर क्या हमारे चुने प्रतिनिधि जो है उस ग्राउंड में है कि नहीं है, वास्तविक चीज है कि नहीं है, और नई योजनाएं जो हमारे वर्तमान सरकार के माध्यम से हम आभारी हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के और आईपीएस मंत्री जी के भी आभारी हैं कि बहुत बड़ी योजनाएं जो हमारे क्षेत्र के अंदर पीने की पानी जो लगभग 100 लीटर प्रति व्यक्ति के लिए देने का प्रावधान करने के प्रयास किया गया है, उसके अंदर बहुत सी स्कीमें जो हमारी ऑलरेडी बनी हुई है उनके समूह को हमने बनाने का प्रयास किया है। जहां कोटली की तरफ हमारे 7-8 पंचायतें पड़ती है, दुद्धर की तरफ पंचायतें पड़ती है, मध्यम की तरफ पंचायतें पड़ती है, इन सभी के अलग अलग से हमने
डीपीआर बनाने का प्रयास किया है। आज पीडब्ल्यूडी विभाग, आईपीएस विभाग, फॉरेस्ट विभाग और साथ में हमारे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो भी चार बड़े महकमे थे, आज उनके साथ हमने इसमें चर्चा की और एक अच्छा एक रिजल्ट जो है मुझे नजर आया है कि उसमें अधिकारी हमारे इस कुछ महीनों के अंदर, जहां पीडब्ल्यूडी की बात करना चाहूंगा, बहुत बड़ी योजनाएं जैसे कि शहर के अंदर 25 करोड़ रुपया तो केवल विक्टोरिया ब्रिज के लिए आया और बाईपास की जो फॉरेस्ट क्लीयरेंस कई वर्षों से बनी थी उसी क्लीयरेंस भी हमारी जो है वो विक्टोरिया से लेकर बाड़ीगुमान तक एक सड़क का हमारा निर्माण होगा, टू वे लेन का, और बहुत बड़ी जो ट्रैफिक की समस्या हमारे शहर के अंदर थी उसको भी हम निजात दिलाने में कामयाब हुए हैं। हम हिम ऊर्जा के माध्यम से भी एक बहुत बड़ी योजना जो प्रदेश के अंदर लागू करने जा रहे हैं, जहां लोड सैंक्शन का 30% के ऊपर ही रूफ टॉप लगाए जाते थे, मैंने आदेश किए विभाग को, अब हमने 5 किलोवाट तक 100% के ऊपर रूफ टॉप लगाए जाएंगे और 5 किलोवाट से ऊपर जितना भी लोड होगा उसका 50% के ऊपर जो है रूफ टॉप के ऊपर हम सोलर पैनल लगाएंगे। ये शायद देश के अंदर पहला ऐसा प्रदेश होगा जहां इस तरह की योजना हम करने जा रहे हैं।